और आज जब महंगाई चार गुना बढ़ गया तो इनको डाई नहीं भौजाई नजर आने लगी है। जो आखिरी हथौड़ा मारा है उसके बाद भाजपा उठने वाली नहीं है। बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी, कि जो डरेगा वो मरेगा, जो लड़ेगा वो जीतेगा। न्यू दुर्गा ज्वेलर सिरसा, खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। ताऊ देवीलाल जी ने 70 के दशक में, 80 के दशक में समाजवादियों को कितना मजबूत किया, इस विचारधारा को आगे बढ़ाया। आज कहीं ना कहीं से किसानों को मजबूत किया था, आज कहीं ना कहीं से जो मौजूदा सरकार में लोग जो बैठे हैं, आज क्या स्थिति बनी हुई है देश की, किसी से छुपा नहीं है। वो लोग चाहते हैं कि सब कुछ खत्म हो जाए इस देश का, बस केवल भाजपा और संघी रह जाए और उनके कुछ साथी रह जाए और बाकी सब समाप्त कर दिया गया। आज हम धन्यवाद देते हैं उन किसानों को जिनके बच्चे जवान हैं। आज अगर हमारा देश सुरक्षित है तो उन किसान के बेटे जो जवान हैं, जवानों ने इस देश को बचाने का काम किया है। और आज एक एक करके हम तो धन्यवाद देने आए आप लोगों को कि पंजाब के लोगों ने, किसानों ने, हरियाणा के किसानों ने संघियों को अच्छे से सबक सिखाने का काम किया। किसान आंदोलन कर करके क्या आंदोलन रहा। और हम अभय जी को धन्यवाद देते हैं, हमको पता चला कि एकमात्र विधायक थे जिन्होंने इस्तीफा देने का काम किया किसानों के सवाल पर, और उनको बधाई भी देना चाहते हैं कि दोबारा बाय इलेक्शन चुन करके आए। देखो भैया, आप सब लोगों से कहना चाहते हैं, लालू जी कभी झुके नहीं इन सांप्रदायिक शक्तियों के आगे, इन संघियों के आगे। उनका ये जवान बेटा भी झुकने को तैयार नहीं है। आपसे इतना ही कहना चाहते हैं, जो लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं डरना मत, क्योंकि जो डरेगा वो मरेगा, जो लड़ेगा वो जीतेगा। आज किसान मुद्दे पे बात नहीं करेंगे, किसानों पे बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी पे बात नहीं करेंगे, महंगाई पे बात नहीं करेंगे, जो असल मुद्दे हैं बात करेंगे किसकी, मुसलमान, हिंदू, मंदिर, मस्जिद, पाकिस्तान, कश्मीर। आप बताइए, किसानों का आय दुगुना करने चले थे, हर साल नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार देना चाहते थे। आज देख लीजिए, जो हमारे जवान जो सेलेक्ट हो गए थे, मेडिकल वगैरह सब हो गया था, बस ज्वाइनिंग लेटर मिलना था, एक इन लोगों ने कानून ला करके सभी लोगों के ख्वाहिशों के अरमानों को उन्होंने ध्वस्त करने का काम किया। किसी से ये छुपा नहीं है। चार साल क्या चल रहा था भाई, तो इसलिए हम ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते, अभी समय कम है, आगे और भी जाना है। लेकिन हम आदरणीय बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के साथ यहां आए हैं, और हम आदरणीय नीतीश कुमार जी को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने जो हथौड़ा मारा है, जो आखिरी हथौड़ा मारा है उसके बाद भाजपा उठने वाली नहीं है। अरे एनडीए कहां बची, एनडीए कहां रह गया, बादल जी एनडीए में थे, मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी एनडीए में थे, और भी कई साथी जो शिवसेना एनडीए में थी, एक एक कर सभी लोग भाग चले, क्योंकि क्या माहौल है, क्योंकि यहां बैठा हर एक शख्स देश के संविधान को, देश के लोकतंत्र को बचाना चाहता है। देश को जो ये बेचना चाहते हैं, क्या क्या नहीं बेच दिया, बेचा कि नहीं बेचा, रेलवे बेच दिया, जहाज बेच दिया, इंडियन ऑयल बेच दिया, किसानों का जमीन चले थे बेचने। लेकिन हमारे किसान उनको सलूट देते हैं, लड़ाई आपने की और आपने जीत पाई है, तो इसलिए
ज्यादा कुछ ना कहते हुए महंगाई इतनी चरम सीमा पर, हमारे बिहार में गाना होता था, ये यही भाजपा वाला लोग गाना गाता था कि महंगाई डाइन खाई जाते हैं। मतलब भाजपा वालों को तब महंगाई लगती थी 2014 से पहले, और आज जब महंगाई चार गुना बढ़ गया तो इनको डाइन नहीं भौजाई नजर आने लगी है। तो आप सब लोग, इतना जरूर हम कहना चाहते हैं, नीतीश कुमार जी ने जो एक निडर डिसीजन लेने का काम किया, और यहां बैठे किसी का स्वार्थ नहीं है, नीतीश कुमार जी ने कई बार कहा है कि इनका कोई स्वार्थ नहीं है, एकमात्र लक्ष्य है कि 2024 में इन सांप्रदायिक शक्तियों को गद्दी से उखाड़ फेंकने का काम करना है। आज हरियाणा में बताओ क्या हो रहा है, मैथ्स का अलग टीचर नहीं होगा, इंग्लिश का अलग टीचर नहीं होगा, सब एक ही टीचर सब सब्जेक्ट पढ़ाएगा। यानी ये साजिश है, ये स्कूलों को बेचना चाहते हैं, सरकारी स्कूलों को बंद करना चाहते हैं, जो गरीब परिवार है उसके हाथ से कलम किताब छीनना चाहते हैं। इसलिए सावधान रहिएगा, हम नौजवान हैं और सभी हरियाणा के नौजवानों से कहने आए हैं, भाई झुकना मत, आप अपनी लड़ाई लड़ो, वरना ये आज देख लो रोजगार सबसे बड़ा, बेरोजगारी सबसे बड़ा दुश्मन है। और हम धन्यवाद देते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, हमारी नई महागठबंधन की सरकार ने नौकरी देना शुरू कर दिया, सरकारी नौकरी, नियुक्ति पत्र बांटना हम लोगों ने शुरू कर दिया, हमारे स्वास्थ्य विभाग में, शिक्षा विभाग में, गृह विभाग में लगभग जो है 4.5 से 5 लाख नौकरियां जो है वो देने का काम हम लोग कर रहे हैं। बताओ और कहीं हो रहा है तो बताओ, लेकिन मोदी जी का वादा तो वादा ही रह गया। अभी अमित शाह जी वापस अभी पूर्णिया में आए थे, बिहार में, पूर्णिया एक जिला है बिहार का, हेडक्वार्टर है, वहां आके भाषण देते कि पूर्णिया जिले में हवाई अड्डा चालू हो गया। अरे भैया एक ईंट नहीं लगी, आप बोलते हैं हवाई अड्डा चालू हो गया। तो ये बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी, ये स्पष्ट है, मन में जमान लेना। हम पूछना चाहते हैं बीजेपी का मतलब, अरे थोड़ा जोर से बोलिए, बीजेपी का मतलब झूठा पार्टी। तो हम ज्यादा कुछ ना कहते हुए फिर से सभी INLD के सभी पार्टी के लोगों को दिल से धन्यवाद देते हैं, यहाँ उपस्थित हर एक नेताओं को धन्यवाद देते हुए, और आदरणीय लालू जी का आप लोगों को राम राम देते हुए अपनी बात को यही समाप्त करते हैं। जय हिंद। बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो।